बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के हवाले से। ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, मिसगैरेज हो जाता है, या ऐसी ख़वातीन जो कि डिलीवरी के बाद उनको कभी कभार पेट के नीचे वाले हिस्से के अंदर अक्सर शदीद किस्म की दर्द आ जाती है और वो नीचे को बोझ सा महसूस हो रहा होता है और उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी तमाम की तमाम ख़वातीन के जिनको डिलीवरी के बाद कभी कभार उनको बहुत शदीद किस्म की दर्द होती हो, या ऐसी ख़वातीन जिनको बार बार मिस गैरेज हो जाता हो, अगर वो हमल ठहराने के अंदर कामयाब हो चुकी हैं तो आज की वीडियो ऐसी ख़वातीन के लिए होगी। नाज़रीन, साइकोलॉजिस्ट काम असल में करती कैसे है। पहले नंबर पर ऐसी ख़वातीन के जो कि बार बार जिनको मिस गैरेज की शिकायत होती है, असल में होता यूँ है कि उनके जो हमल का सिस्टम होता है उसके करीब जो है खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस खुशकी को ठीक करने के लिए जो है वो साइकोलॉजिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी हम साइकोलॉजिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ख़वातीन कि जिनको कोई दिल का मर्ज हो या जिगर के मतलब का कोई भी बीमारी हो, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इसके साथ ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, या सांस लेने के अंदर दुश्वारी वगैरह आ सकती है। अगर हम इसके दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ऐसी तमाम की तमाम ख़वातीन जिनको इस तरह का मसला हो, यानी कि डिलीवरी के बाद उनको नीचे की तरफ कभी कभार वजन की शिकायत होती हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ का मरहला होता हो, या ऐसी ख़वातीन जिनको बार बार मिस गैरेज होने के खदशात वगैरह हों, या उनको हमल के बाद जो है कभी कभार उनको नीचे की तरफ जो है बोझ वगैरह महसूस होता हो, तो ऐसी ख़वातीन जो है वो साइकोलॉजिस्ट को इस्तेमाल कर सकेंगी। नाज़रीन, साइकोलॉजिस्ट कुछ इस तरह की होती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए ये 200 मिलीग्राम के अंदर और 400 मिलीग्राम ये आपको आपका डॉक्टर ही लिखेगा कि आपको कितने मिलीग्राम की चाहिए। आप बिल्कुल रात के टाइम खाना खाने के बाद, सब कुछ खा लेने के बाद बिल्कुल सीधी होकर आप लेट जाएंगी बगैर तकिए के, और उसके बाद इस गोली को जो है आपने सिर्फ 1 से 2 इंच जो है अंदर अपने इंजेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंजेक्ट करेंगी तो इससे 40 से 50 मिनट के बाद इसका जो कैप्सूल नुमा ये गोली सी है अंदर जाके खुल जाएगी और इसके साथ आपके मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, इन्फेक्शन से आप महफूज हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल की वजह से दिल की धड़कन, सांस के अंदर दुश्वारी या ब्लड प्रेशर तेज़ होने की शिकायत जो है वो देखी जा सकती है। अलबत्ता जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि दिल के मरीज और जिगर के मरीज इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ इस्लाम के हवाले से। नाज़रीन, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक ऐसा मामला मिलता है कि आप दो किस्म के लोगों के ऊपर जो है वो हसद कर सकते हैं, उनसे जल सकते हैं। पहले नंबर पर ऐसा शख्स जो कि कुरान मजीद की तलावत बहुत ज़्यादा करता हो, आप अपने दिल के अंदर ये हसरत पैदा कर सकते हैं कि यार फलां बंदा बहुत ज़्यादा कुरान मजीद की तलावत करता है, हमारी फलां बहन बहुत ज़्यादा तलावत करती है, काश कि मैं भी इस तरह का हो जाऊँ। दूसरे नंबर पर ऐसा शख्स जो कि अल्लाह के रस्ते के अंदर बहुत ज़्यादा सदका खैरात करता है, अगर आप भी उनके बारे में हुस्न ज़न रखेंगे, अपने दिल के अंदर रश्क पैदा करेंगे कि मैं भी इस तरह का हो जाऊँ, तो ये साहब के मामला जो हैं वो जायज़ हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको इस्लाम के वाले से और सेहत के वाले से मुफीद जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। हमारी तमाम की तमाम वीडियो जो है वो सदका जारिया के तौर पर होती हैं बगैर किसी लालच के। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे तो हमारी तरफ से वेलकम होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेकी।